भारतीय संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा एक एक करके उजागर हुआ है। 5 साल तक मंत्री रह करके मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चरित्र काफी करीब से पढ़ा है, देखा है। नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो भी इनके साथ आया उनका कर दिया इन्होंने एक एक करके सबका विनाश। पिछली बार सरकार बनाने में जिन जिन लोगों ने मदद किया एक एक करके सबकी इन्होंने कसर निकाली, याद होगा। किसानों ने झूम करके इनका साथ दिया था, सरकार बनी तो किसान विरोधी बिल आ गया, किसान विरोधी बिल ला करके किसानों की कमर तोड़ने का काम किया। सालों साल किसान धरने पर जरूर बैठा था। 15-15 बार बैठके हुई, बिल वापस नहीं हुआ। चुनाव की आहट आई, जनधार छिटकने के डर हुआ, बिल भी वापस हो गया। अरे ये वोट के सौदागर हैं, सत्ता पाने के लिए किसी की लाश पर चढ़ करके सत्ता हथियाने में इनको कोई शर्म नहीं है। सत्ता पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। सत्ता पाने के लिए अगर देश को बेचना पड़े तो भाजपा के लोग देश बेचने में भी शर्मिंदा नहीं होंगे। साथियों, देश बेचने की बात मैंने इसीलिए की, जब से सरकार बने आए हैं एक एक करके सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, कहीं पर एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कहीं पर रेलवे बेच रहे हैं, कहीं पर कोल माइनिंग फील्ड बेच रहे हैं, कहीं पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बेच रहे हैं, और साथ ही साथ किसान विरोधी बिल के माध्यम से एक इस देश प्रदेश के किसानों की जमीन भी अपने चहेते अदानी और अंबानी के हाथों में सौंपने की साजिश कर रहे थे। सावधान रहना साथी, जब से योगी बाबा मुख्यमंत्री बने हैं किसानों की फसल योगी जी के छुट्टा जानवर चल रहे हैं। कहते हैं हम तो 6,000 रुपया सालीना सम्मान निधि देते हैं किसानों को। अरे योगी बाबा, तुम किसानों का लाखों का फसल चराने का काम बंद करो, हमें तुम्हारा 6,000 रुपया नहीं चाहिए। लाखों का फसल चरा लिया, 6,000 रुपया देकर घड़िया लिया, शुभ आते हो। साथ ही साथ
बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर नौजवानों का वोट लिया था। योगी बाबा की सरकार में नौजवानों को तो नौकरी नहीं मिली, नौकरी के नाम पर अलबत्ते पुलिस की लाठियां पानी पड़ी। जब से योगी बाबा मुख्यमंत्री बने एक भी परीक्षा कभी भी पारदर्शी तरीके से पूरी नहीं हुई, या तो पर्चा लीक आउट हो गया या भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अभी अभी जब साल भर पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर योगी जी अपने चहेतों को नियुक्ति पत्र दिला दिया। 19,000 जिसपे पिछड़ी जात के लोगों को जाना चाहिए था, वहां पर योगी बाबा ने बाबा जी को और बाबू साहब को बैठा दिया। क्या दो बिरादरी से बात चलेगी? क्या सामान्य वर्ग के लोगों को बैठा दिया? हम कोई सामान्य वर्ग के विरोधी है क्या? सामान्य वर्ग में गरीबों को 10% आरक्षण मिला, क्या हमने विरोध किया? क्या? अरे भाई, अनुसूचित जात पिछड़े वर्गों का आरक्षण 49% ही तो था, 51% में तुम लड़ाई तो खा ही रहे थे। तुम अनुसूचित जात का 25% जगह भी हड़पना चाहते हो, पिछड़ी जात का 56-55% आबादी है लेकिन 27% आरक्षण था, तुम 27% आरक्षण पर भी अपने लोगों को बैठाना चाहते हो, नारा देते हो 80-20 का। 80-20 क्या? तुम जिस हिंदू मुस्लिम बात करते हो, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के इन दोगले चरित्र के नेताओं से, हिंदू किसको कहते हो? मैं पूछना चाहता हूं, क्या 25% दलित हिंदू नहीं है क्या? अगर तुम इसको हिंदू मानते हो तो इसके आरक्षण पर डकैती क्यों? इसके आरक्षित जगहों पर अपने चहेतों को बैठाने का पाप क्यों कर रहे हो? यह 55-56% पिछड़ा वर्ग है, क्या पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? अगर हिंदू है तो पिछड़ों के आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र क्यों देने का काम करते हो? इसका मतलब है तुम दलितों को हिंदू नहीं मानते हो, पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते हो। अगर हिंदू मानते होते तो इनके आरक्षण पर डकैती नहीं डालते, इनके आरक्षित जगहों पर अपने चहेतों को नहीं बैठाते। योगी सरकार अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने का दे, हालत यही है। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, आज नारा देते हैं 80-20 का, अब तक तुम्हारी नजर में ये 85% हिंदू नहीं है तो तुम्हारे हिंदू के खाके में आता कौन है? योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं क्या? आप सब पूरे बाहर भी चले गए? ये वोट के सौदागर हैं।
या ना ये हिंदू के हमदर्द हैं, ना इस देश के हमदर्द हैं। अब मुसलमानों से सौतेला व्यवहार क्यों, बीस क्यों? क्या इस देश की आजादी के लिए, जब इस देश के नौजवान सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह फांसी के तख्ते को चूम रहे थे, तो इन्हीं के बगल में इस देश की आजादी के लिए अशफाकुल्ला खां भी फांसी के तख्ते को चूम रहे थे? क्या अशफाकुल्ला खां ने इस देश की आजादी के लिए अपनी शहादत इसलिए दी थी क्या कि आने वाले आजाद भारत में उनकी औलादों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए? कौन नहीं जानता, जब पाकिस्तान और भारत पर युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान की टैंकें भारत की ओर दर्दनाती हुई चली आ रही थी, तो योगी जी मोदी जी आपका तो कहीं ऐसा पता नहीं था, पाकिस्तान की दर्जनों टैंक को तोड़ने वाला, दर्जनों टैंक को स्वाहा करने वाला, अपनी जान कुर्बान देने वाला वो आपके बाप दादा पुरखे नहीं थे, बल्कि वीर अब्दुल हमीद ने तोड़ने का काम किया। आप वीर अब्दुल हमीद के औलादों को सौतेला व्यवहार कर रहे हो, आप देश निकाला देना चाहते हो, 80-20 देश की बंटवारी बंटवारा करने की लाइन है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई का जो भाईचारे का जोर है इसको काटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। आज आपकी गलत नीतियों से छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी भुखमरी के कगार पे आ गया, खुदकशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों की हालत हो गई है। और साथियों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए एक महागठबंधन बना हुआ है। उस गठबंधन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का पौत्र जैन चौधरी भी खड़ा है। उस गठबंधन में भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी खड़ा हुआ है। उस गठबंधन में जनवादी पार्टी का संजय चौहान भी खड़ा हुआ है। इस गठबंधन में अपना दंग कमेरा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल भी खड़ी है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोक करके स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपके साथ खड़ा है। आइए हम सब मिलकर के योगी सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, बेरोजगार नौजवान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, पिछड़ा विरोधी सरकार है, छोटा व्यापारी विरोधी सरकार है, आज सब कोई मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर हिंद महासागर के समुद्र में डालने का काम कर रहे हैं, उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। आपके साथ में, आपके बीच में, इस विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी ने, आपके बीच में आपका भाई, आपका साथी
आपके इस झांसी का माटी का लाल और हमारे शुरुआती दौर के राजनीति के साथी चंद्रपाल का बेटा आईएस पाल सिंह यादव जी को भारी मतों से जिताने का काम करें। पर देता हूं विराम। जय हिंद, जय समाजवाद।